हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं चैप्टर मोशन के पेज 76 से पांच क्वेश्चन जो दे रखे हैं। तो फर्स्ट फोर क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल हैं और लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। आप इन्हें देखने के बाद न्यूमेरिकल के इन पर्टिकुलर नोट्स बना लें, सो दैट अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसे कर सके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर वन। तो स्पीड और वेलोसिटी में सबसे पहले तो इनका किसी का भी डिफरेंस आए, सबसे पहला डिफरेंस उनका डेफिनेशन का ही होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और या इसे लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, या तो इन ए गिवन डायरेक्शन वर्ड लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिख दो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड और वेलोसिटी का पहला डिफरेंस। दूसरा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे एक वीडियो इस पे है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, उनके डिफरेंस क्या क्या है और उनकी पहचान क्या है। तो आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे जस्ट फॉर रिविजन से बता दूं कि क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। बट आप वीडियो को वॉच करोगे तो उसमें डिटेल की भी इसकी नॉलेज दे रखी है। देन किसी की भी स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। देन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, बट अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, दैट इज जीरो से कम आ सकती है। रीजन बीइंग, अगर कोई बॉडी ए से बी तक ट्रेवल करे और फिर बी से ए को सरपास कर जाए, दैट इज जर्नी ए से स्टार्ट की टुवर्ड्स बी और फिर बी से आके स्टॉप किया सी पे, तो ऐसे वाला अगर केस होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है। अगर ए से जर्नी स्टार्ट की ए पे वापिस आकर रुक गई तो वेलोसिटी जीरो भी आ सकती है, बट ये दोनों नहीं हो सकते ऐसा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरेटिकली डिस्कस कर देता हूं, आपको नोट्स बनाने हैं उसके और नोट्स बना के उनको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर टू है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो इसमें आप लिखेंगे, इट इज पॉसिबल इफ मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रीजन बीइंग अगर सपोज मोशन ए से बी तक है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में क्वेश्चन में पूछा है किस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी, तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका आंसर है इफ मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल टेल्स अस। तो ओडोमीटर कई स्टूडेंट लिख देता है इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वेलोसिटी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इट शोज अस इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, That is, उस समय व्हीकल किस स्पीड पे चल रहा है सिर्फ वो बताएगा, ना इनिशियल ना फाइनल ना एवरेज। इट टेल्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एट द सेम टाइम टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आपको किलोमीटर्स भी ऊपर नजर आ जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स ये भी नजर आ जाती है। और एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट ये है, इट शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ना कि एवरेज और ना ही इनिशियल और ना ही फाइनल। देन क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका तो सिंपल आंसर है कि अगर सपोज क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि पाथ किस तरह का नजर आएगा अगर यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन की तरह पाथ नजर आएगा। और क्वेश्चन नंबर फाइव इसका इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल सेंट फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। आप ये समझ लें कि अगर सपोज ये अर्थ है और ये कोई सैटेलाइट है, उसने ग्राउंड पे सिग्नल भेजा और सिग्नल अर्थ पे पहुंचा कि वो इन टाइम 5 मिनट्स। तो ऐसा यूनिट्स में कभी मिनट्स यूज नहीं करते, ऐसा यूनिट में हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा 300 सेकंड्स। और उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप एंड द ग्राउंड स्टेशन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दैट इज डी अगर से डिनोट करें तो ये बताना है वो स्पेसशिप अर्थ से कितनी दूर है जबकि उसने जो सिग्नल भेजा इट इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, और कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए फार्मूला, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करनी, तो वी विल यूज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए इसके अंदर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, स्पीड दे रखी है जिससे वो ट्रेवल करके आएगा 3 × 10⁸ इंटू टाइम है 300। तो आप इसे करने का मेथड ये समझ लें कि आप पहले तो लिख लो 3 × 10⁸ और इसे लिख लो 3 × 10⁪। अब 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 9 इंटू, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस मैथ्स में कवर्ड है वैसे, अगर आपको पता हो तो मैथ्स में ये है कि दोनों का अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का केस हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो दैट इज 10⁻¹० और डिस्टेंस है तो मीटर्स में, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन स्पेसशिप एंड ग्राउंड स्टेशन जो सिग्नल रिसीव कर रहा है इज 9 × 10⁻¹० रीजन बीइंग बेस द सेम, पावर्स आर बीइंग एडेड, तो उस फंडामेंटल को यूज करके हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो ऑल द 5 क्वेश्चंस आर कवर्ड, सब्सिक्वेंट वीडियो में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर होंगे एंड देन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सरोजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस यहाँ पर पूरी 9th और पूरी 10th बड़े इजी और सिंपल वे में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।